इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम जवाहरलाल नेहरू, स्वाधीन भारत के पहले प्रधानमंत्री। उनके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। कुछ में इनकी खूब सारी प्रशंसा और कुछ नेहरू के क्रिटिसिज्म से भरी पड़ी हैं। लेकिन इन किताबों की दुनिया से निकले तो रियल में कौन थे नेहरू? क्या वे एक हीरो थे जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, या फिर वो कुछ और थे? नेहरू के बारे में विशेषज्ञों के अपने अपने विचार हैं। कुछ का मानना है कि वो एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी थे, जैसे कि एस गोपाल, जिन्होंने नेहरू के ऊपर 3 बड़ी बड़ी किताबें लिखी। वहीं पर जुडिथ ब्राउन के नेहरू को लेकर कुछ अलग ही विचार हैं। कुछ इंटेलेक्चुअल्स का मानना है कि नेहरू चाहते थे कि भारत समाजवादी देश बने। वहीं कुछ और लोग कहते हैं कि नेहरू को पूंजीवाद का समर्थन करना चाहिए था। दोस्तों, स्कूल से लेकर कॉलेज तक हिस्ट्री के सारे बुक्स में भी नेहरू के योगदान के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। हम और आप अगर इन्हें पढ़ें तो ऐसा लगेगा जैसे भारत को आजाद करवाने में महात्मा गांधी के बाद अगर किसी का बड़ा योगदान था तो वो नेहरू का ही था। दोस्तों, हमें अगर जवाहरलाल नेहरू को बेहतर ढंग से समझना है तो हमें आजाद भारत के निर्माण की यात्रा को देखना पड़ेगा। तो चलिए इस यात्रा को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं नेहरू को और उनके विचारधारा को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन गाथा में एक दूसरा पहलू भी सामने आता है, जिसको कई दशकों तक हमसे छुपा कर भी रखा गया। भारत के आजाद होने के बाद इंडिया के पीएम पद के लिए चुनाव करवाए गए। 15 स्टेट कमिटियों में से 13 ने सरदार पटेल को चुना, बाकी 2 ने वोटिंग नहीं की। नेहरू को अब तक कोई नॉमिनेशन नहीं मिला था। सरदार पटेल भारत के पहले पीएम बनने ही वाले थे कि नेहरू इस कारण से काफी चिंतित रहने लगे। गांधी जी के सामने नेहरू अपने आप को जस्टिफाई करने में काफी मेहनत करने लगे। लास्ट में नेहरू ने गांधी जी को मना ही लिया। अब बारी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी द्वारा मनाने की। सरदार जी तो वैसे ही नरम मिजाज के थे। उन्होंने गांधी जी के बात का सम्मान करते हुए बिना किसी आपत्ति के अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। बस फिर क्या था, पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज ग्रेजुएट थे, एक बैरिस्टर थे और आगे चल के अंग्रेजों से नेगोशिएशन करना चाहते थे। पंडित नेहरू कई विदेशी दौरे पर आते जाते रहते थे, तो इंटरनेशनल अफेयर्स में भारत के काफी अच्छे फ्यूचर होने के पूरे चांसेस थे। लेकिन कुछ ही सालों में ऐसी आशाओं पे पानी फिरने लगा। देश के पहले पीएम जिनके हाथों में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद नए भारत को दिया गया और जनता इस आस में थी कि भारत को फिर से नए आयाम तक लेकर नेहरू जाएंगे, पर उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो भारत की सबसे बड़े गलतियों में तब्दील हो गए, जिसको भारत आज तक भुगत रहा है। तो बुद्धिजीवियों के हिसाब से वो गलतियाँ कौन कौन सी थी, आइए एक एक करके समझते हैं। पहला है कोको आइलैंड। पहली गलती थी कोको आइलैंड, जो कोलकाता से मात्र 900 मीटर की दूरी पर थी। साल 1950 तक ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पंडित नेहरू, जिनको फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट माना जाता था, उन्होंने इसे बर्मा, जो कि आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, उसको गिफ्ट में दे दिया। वापस से म्यांमार को जब फंडिंग की जरूरत पड़ी तो म्यांमार ने इस कोको आइलैंड को चाइना को बेच दिया। आज हालत ये है कि वहाँ से चाइना भारत की मिलिट्री पर कड़ी नजर रखने का काम करता है। नेपाल का भारत में विजय। दोस्तों, नेपाल में 2008 तक राजशाही शासन चलता था। सन 1952 में नेपाल के राजा त्रिभुवन विक्रम शाह ये चाहते थे नेपाल को भारत में एक नए राज्य के रूप में मिल जाना चाहिए, पर नेहरू ने इस प्रस्ताव को ये कहकर ठुकरा दिया कि इससे भारत को कोई फायदा नहीं होगा और उल्टा हमें नुकसान ही होगा। दोस्तों, आज हमें पता है कि चाइना नेपाल की आड़ में हमेशा हम पर घात लगाए बैठा रहता है। रिजेक्टिंग यूएनएससी परमानेंट सीट। आज के समय में भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उसे यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की जगह मिल जाए। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि यूएनएससी क्या है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो आप ये समझिए कि ये दुनिया के 5 सबसे पावरफुल देशों का ग्रुप है। इसमें से किसी भी देश पर अगर कोई हमला होता है तो बाकी के 4 देशों पर भी
वो हमला माना जाएगा। मतलब अगर हमला हुआ तो पांचों देश एक साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। साथ ही साथ अगर किसी इंटरनेशनल लेवल पर कोई डिसीजन लिया जाता है तो इन सब पांच मेंबर कंट्री की सहमति की आवश्यकता होती है। अगर एक ने भी ना बोल दिया तो उस पे डिसीजन नहीं लिया जा सकता। इसमें अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चाइना शामिल हैं। दोस्तों, दुख की बात यह है कि भारत को पीएम नेहरू के कार्यकाल में यूएनएससी में शामिल होने का एक नहीं बल्कि दो मौके मिले, पर दोनों बार नेहरू ने इसे ठुकरा दिया। दोस्तों, 1950s के दौरान चाइना में कम्युनिस्ट पावर के राइज को देखते हुए अमेरिका ने साल 1952 में इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट सीट लेने का प्रपोजल रखा था, लेकिन पीएम नेहरू ने इस प्रपोजल को यह कहकर ठुकरा दिया कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं और हम अपने प्यारे भाई से कोई खराब रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते हैं। 1955 में जब सेम ऑफर इंडिया को फिर से दिया गया, मगर पीएम ने इस प्रपोजल को भी ठुकरा दिया, जिसके चलते यूएनएससी परमानेंट मेंबर की सीट चाइना को दी गई। दोस्तों, आज सबसे बड़ी आयरोनिकल बात यह है कि जिस पावर को भारत द्वारा चाइना की वजह से दो बार रिजेक्ट कर दिया गया, आज वही चाइना इस शक्ति के दम पर भारत के खिलाफ खुलकर समर्थन करता है। दो बार यूएनएससी की सीट को ठुकराने के बावजूद भी 1955 में नेहरू को देश के सबसे उच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए चुना गया। पता है क्यों? पंचशील समझौता। पंचशील समझौता यानी कि पांच विचारों पर टिका हुआ समझौता। ये समझौता इतना घातक साबित हुआ, हमें साल 1962 में चाइना युद्ध हारना पड़ा। साथ ही साथ अपनी 43,000 स्क्वायर फीट जमीन को भी हमें गवा कर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, समय था 1953 जब चाइना ने तिब्बत पर जबरन कब्जा कर लिया था। उस समय चाइना की दोस्ती में डूबे पंडित नेहरू आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं लगा पाए और पंचशील समझौता करके तिब्बत को चाइना का हिस्सा मान लिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ऐसा करने से चाइना हमारे साथ बॉर्डर शेयर करने लगेगा और भारत के लिए ये आने वाले दिनों में एक चुनौती बन सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। साल 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ तो चाइनीज आर्मी उसी रास्ते से भारत में दाखिल हुए और भारत का हिस्सा भी कब्जा कर लिया, जिसे आज हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। इस पर पार्लियामेंट में एक लंबी बहस हुई, लेकिन इस बात पर नेहरू जी का स्टेटमेंट काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने बस इतना कहा, ले गए तो क्या हुआ, वहाँ तो घास का तिनका भी नहीं उगता, वो इंडिया के किसी काम का भी नहीं है। ये जवाब सुनकर एमपी मनोहर लाल त्यागी अपने सीट से उठ खड़े हुए और नेहरू से अपने गंजे सर की ओर इशारा करते हुए कहा, उगता तो यहाँ भी कुछ नहीं है, तो क्या इसको भी काट कर चाइना के हवाले कर दें? कश्मीर इशू। साल 1947 में जब रियासतों का विलय हो रहा था, उस वक्त कश्मीर के राजा हरि सिंह ना तो पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने को राजी हुए और ना ही भारत के साथ। लेकिन जब पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जे के लिए लगातार हमले करने लगा, तब तंग आकर कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत में मिलने को राजी हो गए। इस बात से पाकिस्तान बौखला उठा और कश्मीर के लिए युद्ध छेड़ दिया, पर इस युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। नेहरू के पास ये मौका था कि पाकिस्तान को पीछे धकेल कब्जाए हुए कश्मीर का एरिया वापस ले लें, लेकिन नेहरू ने सीज फायर करवा के युद्ध को रोक ही दिया। पाकिस्तान को हराने के बाद भी नेहरू इस मुद्दे को यूएन में लेके चले गए, वही यूएन जिसके प्रपोजल को नेहरू ने 10 साल पहले दो दो बार रिजेक्ट किया था। उसके बाद की कहानी तो हम सबको पता ही है। बात सिर्फ इतना तक नहीं है दोस्तों, बलूचिस्तान के राजा भी भारत के साथ हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने इसके लिए भी साफ साफ इनकार कर दिया। एक्चुअली नेहरू का ये कहना था कि उन्हें अच्छे नहीं लगते लड़ाई और झगड़े। चलो, वो तो अच्छा हुआ कि हमारे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कुछ नेता भी थे जो इंडिया के सभी रियासतों को भारत में मिलाने के लिए सरकार को मजबूर किए जा रहे थे, वरना पटेल की जगह अगर नेहरू होते तो आज भारत में उतने ही कश्मीर होते जितनी बड़ी लालू प्रसाद यादव की फैमिली है। इकोनॉमिक पॉलिसीज। हमारे देश की इकोनॉमी की जिस तरह से ओवर सोशलाइजेशन या फिर ओवर गवर्नमेंटाइजेशन किया गया, वो भी बहुत घातक सिद्ध हुआ।
कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि जानबूझ के ये किया गया था, क्योंकि हम अभी अभी आजाद हुए थे। वापस से भारत में इंटरनेशनल कंपनियों को किसी भी व्यापार के क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते हेवी इंडस्ट्रीज में भी गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन करके इन्वेस्ट करने की कोशिश की। मैं बता दूं कि ऐसी इंडस्ट्रीज में बहुत अधिक फंड्स की आवश्यकता होती है, पर उस समय तो इंडिया के पास इन्वेस्ट करने के लायक फंड्स तक नहीं थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि देश में NBFCs का नेशनलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से कंपटीशन ही खत्म हो गया और मोनोपोलाइजेशन शुरू हो गया। मैं बता दूं कि भारत में जो भी सेक्टर बचे थे, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन पर गवर्नमेंट का कब्जा नहीं था, वो सारे के सारे लाइसेंस और कोटा राज में बुरी तरह से फंस गए। इसके बाद हुआ ये, 1990 तक हमारा भारत कभी इकोनॉमिकली ग्रो ही नहीं कर पाया। दोस्तों 1990 आते आते भारत के पास सिर्फ 8 दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा था। 1991 में IMF को भारत की परिस्थिति पर दया आई, तो उसने इस कंडीशन पर लोन दिया कि भारत अपनी फॉरेन और इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंजेस जरूर लाएगा। दोस्तों ये गलतियां सिर्फ इसलिए बड़ी नहीं है कि नेहरू जी को देश का PM चुना गया था, बल्कि ये गलतियां इसलिए बड़ी थी क्योंकि नेहरू वो नेता थे जो भारत के इंडिपेंडेंस बैटल से लेकर देश के आजाद होने तक भारत के शीर्ष नेताओं में गिने जाते थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में नेहरू ये नहीं जानते थे कि इस देश के लिए क्या सही है और क्या गलत है? ऐसी क्या वजह रही होगी कि इतने बड़े नेता, जो कि एजुकेशन वाइज इतने क्वालिफाइड होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर डाली, जिसका परिणाम हमारा देश और हमारे देशवासी आज तक भुगत रहे हैं। नेहरू गवर्नमेंट अचीवमेंट्स। लेकिन दोस्तों किसी भी कहानी के दो पहलू जरूर होते हैं, और मैं तो कोई जर्मन शेफर्ड हूं नहीं कि सिर्फ एक तरफा ज्ञान दूं। ये वीडियो चाहे 50, 100, 500 या फिर 1000 लोग कभी ना कभी अपने जीवन काल में देखेंगे, तब उनको ये लगना चाहिए कि अनबायस्ड जर्नलिज्म आखिर क्या होता है। इसलिए सिर्फ हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में बुरा बोले ऐसा तो ठीक नहीं होगा। ठीक है, हर आदमी में कमियां होती हैं, लेकिन हर आदमी में कुछ ना कुछ टैलेंट भी होता है। दोस्तों 16 इयर्स तक PM की पोस्ट पर रहते हुए नेहरू गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, जिससे देश की काफी डेवलपमेंट भी हुई है। तो क्या थे वो अच्छे काम, आइए जानते हैं। पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। 1951 में IIT की स्थापना और 1961 में हमारे देश का पहला IIM बना। 1963 में नेहरू ने भकरा नंगल डैम का इनॉग्रेशन किया, जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। उन्होंने इस चीज पर फोकस किया, हर एक साइंटिस्ट को लोग एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करें, इसलिए होमी भाभा और विक्रम साराभाई जैसे लीडर्स को देश में पहचान दिलाई और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना भी की। दूसरा है फॉरेन पॉलिसी। जिस समय देश आजाद हुआ, उस समय अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। भारत ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के तर्ज पर दोनों सुपर पावर्स के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाए रखा। तीसरा है 5-year plan। भारत में विकास को बढ़ावा देने के लिए 1951 से पंचवर्षीय योजना चलाई गई। पहले 5-year plan का मोटिव देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करना था। उसके बाद से कई सारी 5-year plan को भारत में लागू किया गया, जिसके कारण भारत में काफी हद तक डेवलपमेंट भी हुआ। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आजकल के समय में काफी कॉन्ट्रोवर्सियल रही है, और वो है रिजर्वेशन। दोस्तों जहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो 50% रिजर्वेशन की सीमा को खत्म करेंगे, उनके पूर्वज पंडित जवाहरलाल नेहरू रिजर्वेशन के खिलाफ थे। जी हाँ, सही सुना आपने। मैं आपके साथ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए खत को शेयर करूंगा, जहां नेहरू जी ने लिखा था, मुझे किसी भी प्रकार की रिजर्वेशन पसंद नहीं है, विशेष रूप से सर्विसेज में। मैं सख्त विरोध करता हूं किसी भी चीज का जो अनुप्राणिता और दोहरा मापदंड को जन्म देती है। मैं चाहता हूं कि मेरे देश हर चीज में एक पहले दर्जे का देश हो। जब हम दोहरा मापदंड को बढ़ावा देते हैं, तब हम हारते हैं। पिछड़ी वर्ग को सहायता करने का एक ही सही तरीका है, अच्छी शिक्षा के अवसर देना। लेकिन अगर हम सांप्रदायिक और जातियों के आधार पर रिजर्वेशन करते हैं, तो हम प्रतिभाशाली और योग्य लोगों को दबाते हैं और दूसरे या तीसरे दर्जे में रह जाते हैं। दोस्तों तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुछ बड़े अचीवमेंट्स, कुछ बड़े फेलियर्स। कुछ हम लोगों को बताया गया है और कुछ हम लोगों से छिपाया भी गया है। तो आपको क्या लगता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, हमको कमेंट्स में
जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।